हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एंड रूट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट फाइंड आउट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर होता है और हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग एक इक्वेशन से इसको स्टार्ट करते हैं। लेट द इक्वेशन इज x रेज टू पावर n इक्वल्स टू z। x यहां पर वेरिएबल है, n यहां पर पॉजिटिव इंटीजर है मेरे पास। तो यहां पर x रेज टू पावर n इक्वल्स टू z, z यहां कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके कितने रूट होंगे मेरे पास? n डिफरेंट रूट्स होंगे, क्योंकि यहां पर यदि मेरे पास n इक्वल्स टू 2 है तो यहां पर ये कौन से डिग्री की इक्वेशन बनेगी? सेकंड डिग्री की इक्वेशन। और सेकंड डिग्री की इक्वेशन के मेरे पास कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स। तो यहां पर ये n डिग्री की इक्वेशन है, तो n डिग्री की इक्वेशन के लिए मेरे पास n डिफरेंट रूट्स होंगे। ये रूट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम दोनों साइड में nth रूट लेंगे, तो राइट साइड क्या बनेगी मेरे पास? z रेज टू पावर 1 अपॉन n। यहां पर z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होगा? r व्हिच इज मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। थीटा यहां पर आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और r यहां पर क्या है? मॉड्यूलस है। यहां पर थीटा प्रिंसिपल वैल्यू है आर्ग्यूमेंट की, तो हम लोग इसकी जनरल वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो जनरली हम लोग इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा sin 2k पाई प्लस थीटा। तो जो मेरे पास आर्ग्यूमेंट है उसकी जनरल वैल्यू हम लोगों को कंसिडर करनी है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर इसकी वैल्यू को एज इट इज पुट करेंगे तो हमारे लोगों के पास में क्या मिलेगा? ये r cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा sin 2k पाई प्लस थीटा, और इसका होल पावर कितना दे रखा है? 1 अपॉन n। तो ये मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या बन जाएगा? r रेज टू पावर 1 अपॉन n, और यहां पर हम लोग डी मायवर थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 अपॉन n, n यहां पर पॉजिटिव इंटीजर है। तो डी मायवर थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरे पास जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी? cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा इंटू 1 अपॉन n मींस डिवाइडेड बाय n प्लस आयोटा sin 2k पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n। तो ये मेरे पास x की वैल्यू होगी, और x की यहां पर कितनी वैल्यू होगी? n डिफरेंट वैल्यूज होंगी, और वो वैल्यूज कैसे मिलेगी मेरे को? k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए। तो यहां पर k की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे? 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो z रेज टू पावर 1 अपॉन 4, यहां पर 4 डिफरेंट रूट्स होंगे, और वो कैसे मिलेंगे मेरे को? k की वैल्यू 0 1 2 3 3 तक पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है k की तो वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और n माइनस 1 तक पुट करनी है रेगुलरली। यदि मान लो इसकी वैल्यू आगे फर्दर हम लोग पुट करेंगे लाइक n, n प्लस 1, n प्लस 2, तो जो वैल्यूज है वो रिपीट होती हैं, तो उनको हम लोग दो बार कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को पता है यहां पर इसके n ही रूट्स होंगे। इसके आगे यदि हम लोग वैल्यू पुट करेंगे लाइक n, n प्लस 2, तो उस केस में जो वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुकी होती है और उस वैल्यू को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग डिफरेंट रूट्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट एन इक्वेशन इज गिवन, x क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए, इक्वेशन दे रखी है मेरे को, और इस इक्वेशन की डिग्री है मेरे पास 3, तो यहां पर मेरे पास टोटल 3 रूट्स मिलेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 1 अपॉन 3। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरे को कौन सा क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, या फिर यहां पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 4, 5, 6, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा प्रोसीजर है? तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या दे रखी है? 1 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए मॉड्यूलस की रिक्वायरमेंट होगी। तो मॉड्यूलस क्या होगा इसका? 1 प्लस 1 रूट ऑफ 2, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा मेरे पास?
tan इनवर्स आर्ग्यूमेंट के लिए जो प्रोसीजर है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट मींस 1/1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan इनवर्स 1 होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी पाई बाय 4। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होगा इसका, z इक्वल्स टू रूट 2 कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। लेकिन nth रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो आर्ग्यूमेंट है उसकी जनरल वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो जनरली हम लोग z को कैसे शो कर सकते हैं, cos of 2k पाई ऐड कर देंगे हम लोग आर्ग्यूमेंट में, तो इसकी जनरल वैल्यू हो जाएगी ये आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई बाय 4। तो z को हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इस वैल्यू को यहां पर पुट करना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास रूट 2 cos of 2k पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई बाय 4 एंड होल पावर, दिस होल पावर इज 1/3, रूट 2 की पावर 1/3 ये सेपरेट हो जाएगा। और यहां पर क्या करना है, डी मॉयवर थ्योरम अप्लाई करनी है, यानी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये जो पावर है वो इस एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी 2k पाई, और उसको थोड़ा और सिंपलीफाई करें हम लोग एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 8k पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा साइन 8k पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 1/3। अब हम लोग इस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगी, कॉस ऑफ 8k पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 12 प्लस आयोटा साइन 8k पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 12। अब यहां पर क्या करना है, कितने रूट्स होंगे यहां पर 3, तो k की हम लोग 3 वैल्यू कंसीडर करेंगे 0, 1 एंड 2। ठीक है, यहां से 3 डिफरेंट वैल्यूज मेरे को मिल जाएगी, यहां पर यदि हम लोग 3, 4, 5 फर्दर पुट करेंगे तो ये जो वैल्यूज है वही रिपीट होती रहेगी, तो हम लोग फर्स्ट जो 3 वैल्यूज है 0, 1, 2 के लिए कंसिडर करेंगे। तो k की वैल्यू 0 रखेंगे तो हम लोगों के पास में x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां पर देखिए k की वैल्यू 0 रखेंगे तो मेरे पास एक वैल्यू x की क्या हो गई, मेरे पास रूट 2 रेस टू पावर 1/3 कॉस ऑफ पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 12। ठीक है, देन k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसकी सेकंड वैल्यू क्या होगी मेरे पास रूट 2 रेस टू पावर 1/3 एज इट इज रहेगा, और 1 पुट करेंगे तो कितना हो गया 9 पाई बाई 12 कॉस 9 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 9 पाई बाई 12। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 पाई बाई 4 हो जाएगा और ये इधर 3 पाई बाई 4। देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 पाई बाई 12। तो थर्ड वैल्यू मेरे पास क्या होगी x की रूट 2 रेस टू पावर 1/3 कॉस ऑफ k की वैल्यू 2 पुट करेंगे देन 17 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 17 पाई बाई 12। तो ऐसे 3 डिफरेंट वैल्यूज मेरे को यहां से मिलेगी, यदि हम लोग 3 वैल्यू पुट करेंगे तो वापस यही वैल्यू मेरे पास रिपीट हो जाएगी, तो यहां पर 3 डिफरेंट वैल्यू मेरे को मिल गई k की वैल्यू 0 1 2 पुट करने पर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग रियल नंबर्स का nth रूट फाइंड आउट करने के लिए भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होते हैं, यानी उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं जहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या होता है 0। फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू 2 दे रखा है मेरे को और इसकी पावर मेरे को इसका nth रूट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसको एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं 2+0 आयोटा, और सेम प्रोसीजर हम लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग nth रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, ये जो मेरे पास n डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं उनके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट फाइंड आउट करेंगे तो हम लोगों के पास में n वैल्यूज मिलेगी,
और उन जो एन वैल्यूज हैं जिनको हम लोग रूट बोल रहे हैं उनके अंदर क्या रिलेशन होता है, तो उसके लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑल रूट्स ऑफ जेड रेस टू पावर वन अपॉन एन, यानी इसके जो एन वैल्यूज आएंगी वो सारी के सारी जीपी में होंगी, और इनका जो कॉमन रेशियो है वो क्या होगा, ई रेस टू पावर आयोटा टू पाई बाई एन। इसको हम लोग प्रूव करते हैं, जेड रेस टू पावर वन अपॉन एन, तो जेड को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे शो करेंगे, आर कॉस टू के पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन टू के पाई प्लस थीटा। यहां पर मैं आर्ग्यूमेंट का जनरल वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं और थीटा यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू है। रेस टू पावर वन अपॉन एन, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, वन अपॉन एन, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आर रेस टू पावर वन अपॉन एन, और यहां पर मैं डी मोइवर थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस टू पावर एन। तो ये जो मेरे पास पावर है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये जो वैल्यू है वो मेरे पास मिलेगी टू के पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई एन प्लस आयोटा साइन टू के पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और आयलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि मेरे पास जो प्रूव है तो जो टर्म है मेरे पास काफी शॉर्ट हो जाएगी। और आयलर थ्योरम क्या कहती है, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा को हम लोग कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। तो यहां पर देखिए ये मेरे पास कंप्लीट एंगल है, तो हम लोग इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, आर रेस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयोटा टू के पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई एन। यहाँ के वेरिएबल है, के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए मेरे पास डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, आर रेस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयोटा थीटा बाई एन इंटू ई रेस टू पावर आयोटा टू के पाई डिवाइडेड बाई एन, यानी जो ये मेरे पास प्लस साइन है इसको सेपरेट कर देंगे, और सेपरेट करेंगे और जो पावर रूल है मींस इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस मेरे को यही मिलेगा, ई रेस टू पावर आयटा थीटा बाई एन ई रेस टू पावर आयटा टू के पाई डिवाइडेड बाई एन, ये पावर ऐड हो जाएगी और ऐड होके मेरे पास ये मिलेगी। अब ये वाली जो वैल्यू है ये मेरे पास कॉन्स्टेंट रहे मेरे पास, यानी के की वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट करें ये वैल्यू मेरे पास सेम रहेगी, तो के की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से पुट करेंगे अप टू एन माइनस वन, तो मेरे पास डिफरेंट रूट्स कौन कौन से मिलेंगे, देखिए सबसे पहले के की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ई रेस टू पावर 0 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट रूट आ गया मेरे पास आर रेस टू पावर 1 अपॉन एन आयोटा थीटा एन। सेकंड रूट के की वैल्यू 1 पुट करेंगे आर रेस टू पावर 1 अपॉन एन ई रेस टू पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई एन इंटू ई रेस टू पावर के की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 आयोटा पाई डिवाइडेड बाई एन। देन के की वैल्यू 2 पुट करेंगे आर रेस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई एन इंटू ई रेस टू पावर आयोटा 4 पाई बाई एन एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरे को टर्म्स मिलेगी। अब देखिए जितने भी टर्म्स है वो जीपी में है, क्योंकि यहां पर ये तो कॉमन है सबका, आर रेस टू पावर ये वाली टर्म कॉमन है सब में, चेंजेस क्या आ रहा है मेरे पास, ये थर्ड टर्म में चेंजेस आ रहा है और ये जो टर्म है वो क्या बन रही है मेरे पास जीपी में, तो यहां पर देखिए और कॉमन रेशियो क्या होगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, ई रेस टू पावर आयोटा टू पाई बाई एन। तो कॉमन रेशियो क्या होगा इसका, ई रेस टू पावर आयोटा टू पाई बाई एन, और ये जितने भी मेरे पास रूट्स हैं वो सारे के सारे किस में होंगे, जीपी में होंगे। इसी तरीके से हम लोग रिमेनिंग प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी है, जितने भी रूट्स हैं मेरे पास इनका सम हमेशा जीरो होगा, तो देखिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, जेड रेस टू पावर वन अपॉन एन, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, आर रेस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई एन इंटू ई रेस टू पावर आयोटा टू के पाई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, और डिफरेंट रूट कौन कौन से हैं, के की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करेंगे तो फर्स्ट मेरे पास रूट आएगा आर रेस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयोटा थीटा बाई एन, सेकेंड मेरे पास होगा आर एस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर थीटा बाई एन इंटू ई रेस टू पावर आयोटा टू पाई बाई एन, थर्ड रूट होगा आर एस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयोटा थीटा बाई एन इंटू ई रेस टू पावर आयोटा फोर पाई बाई एन एंड सो ऑन। इसमें टोटल कितनी टर्म्स होगी, एन माइनस वन टर्म्स, तो इनका मेरे को सम करना है, तो यहां पर इन टर्म्स का मैं सम कंसिडर कर रहा हूं,
और लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, आर एस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयोटा थीटा बाई एन, ये तो सेम है सभी टर्म्स के अंदर, ई रेस टू पावर आयोटा एन माइनस वन, के की वैल्यू हम लोग एन माइनस वन पुट करेंगे, देन टू एन माइनस वन पाई डिवाइडेड बाई एन, इन एन डिफरेंट टर्म्स का मेरे को सम करना, और ये जीपी में है मेरे पास, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन ले रहे हैं, आर एस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयोटा थीटा बाई एन कॉमन ले लिया, यहां से वन बचेगा, यहां सेकेंड टर्म आ गई आयोटा टू पाई बाई एन प्लस ई रेस टू पावर आयोटा फोर पाई बाई एन प्लस एंड सोन, ऐसे टोटल मेरे पास एन माइनस एन टर्म्स है, टोटल एन टर्म्स है मेरे पास, ठीक है। तो देखिए ये मेरे पास जो सीरीज है वो जीपी में है, और कॉमन रेशियो क्या है, ई रेस टू पावर आयोटा टू पाई बाई एन, जो कि मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर वन थी। अब इनका सम कर रहे हैं हम लोग, मैं आर एस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयोटा थीटा बाई एन, जीपी के एन टर्म्स का सम क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म इंटू आर ई रेस टू पावर आयोटा टू पाई बाई एन कॉमन रेशियो है, आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन कॉमन रेशियो ई रेस टू पावर आयोटा टू पाई बाई एन माइनस वन। सम के लिए फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पर। अब देखिए यहां से एन कैंसिल हो गया, आर रेस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयोटा थीटा एन ई रेस टू पावर क्या होगा, आयोटा टू पाई माइनस वन डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर आयोटा टू पाई बाई एन माइनस वन। तो देखिए ई रेस टू पावर आयोटा टू पाई, इसको हम लोग फर्दर एक्सपेंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए कॉस ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन कॉस टू पाई प्लस आयोटा साइन टू पाई माइनस वन अपॉन ई रेस टू पावर आयोटा टू पाई बाई एन माइनस वन, साइन टू पाई की वैल्यू जीरो कॉस टू पाई की वैल्यू वन, तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग, तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी मेरे पास एन डिफरेंट रूट्स हैं उनका सम हमेशा जीरो होगा। इसी तरीके से हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है, जो मेरे पास एन डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, माइनस वन रेस टू पावर एन माइनस वन इन टू जेड, जेड जो भी मेरे पास जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग एंथ रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो प्लस जेड या फिर माइनस जेड, ये दो वैल्यू ही मेरे पास प्रोडक्ट में आएगी। इसको हम लोग प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जेड को जेड रेस टू पावर वन अपॉन एन, तो इसके लिए जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें मैं डायरेक्ट शो कर रहा हूँ, आर एस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयोटा थीटा बाई एन इंटू ई रेस टू पावर आयोटा टू के पाई डिवाइडेड बाई एन, और के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए मेरे पास एन वैल्यूज मिलेगी इसकी, जीरो वन टू एंड सो ऑन अप टू एन माइनस वन। तो चलिए हम लोग एक एक वैल्यू फाइंड आउट करके उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो सबसे पहली वैल्यू आएगी मेरे पास आर एस टू पावर वन अपॉन एन इंटू ई रेस टू पावर आयोटा थीटा एन, के की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, इंटू सेकेंड रूट क्या आएगा, के की वैल्यू वन पुट करेंगे, आर एस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयोटा थीटा एन इंटू ई रेस टू पावर आयोटा, के की वैल्यू वन पुट करेंगे टू पाई बाई एन। थर्ड वैल्यू क्या होगी मेरे पास, आर एस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयोटा थीटा बाई एन, के की वैल्यू हम लोग टू पुट करेंगे, देन ई रेस टू पावर आयोटा फोर पाई बाई एन। इसी तरीके से मेरे पास रिमेनिंग एन मेरे पास वैल्यू मिलेगी। तो टोटल मेरे पास कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर, वन टू थ्री फोर एन टर्म्स हैं, और इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आर एस टू पावर वन अपॉन एन इंटू आर एस टू पावर वन अपॉन एन, तो एन टाइम्स आएगा, तो यहां से इसका प्रोडक्ट हो जाएगा आर एस टू पावर वन अपॉन एन रेस टू पावर एन। यहां पर ये वाली टर्म भी कॉमन है और एन टाइम्स आ रही है, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई एन रेस टू पावर एन। अब यहां पर ये वैल्यू डिफरेंट है, यहां पर वन ई रेस टू पावर आयोटा टू पाई बाई एन, तो हम लोग क्या करेंगे, ई रेस टू पावर आयोटा ई रेस टू पावर आयोटा फोर पाई बाई एन, ई की पावर में है सारी वैल्यूज, तो पावर रूल से ये जो पावर है वो क्या होगी, एड हो जाएगी, और मेरे पास क्या वैल्यू मिलेगी, ई रेस टू पावर आयोटा टू पाई बाई एन प्लस आयोटा फोर पाई बाई एन प्लस एन सोन आयोटा, लास्ट में जो वैल्यू है एन माइनस वन रहेगी, देन टू
एन माइनस वन पाई डिवाइडेड बाई एन, ये ई की पावर में आएगी सारी वैल्यूज, और ये जो पावर है वो क्या होगी, एड हो जाएगी। तो फाइनली मेरे पास ये वैल्यू क्या होगी, आर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को, ई रेस टू पावर आयोटा टू पाई, आयोटा टू पाई बाई एन, ये कॉमन आ गया, यहां पर कौन सी टर्म, वन टू थ्री एंड सो ऑन, लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा, एन माइनस वन। यहां पर ये फर्स्ट एन माइनस वन नेचुरल नंबर्स हैं, और यहां इनका सम करेंगे, और सम के लिए हम लोगों को ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो यहां पर देखिए एन टोटल नंबर है, एन माइनस वन, तो एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन इंटू एन डिवाइडेड बाई टू। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, टू से टू कैंसिल होगा, एन से एन कैंसिल होगा, मेरे पास जो वैल्यू वो क्या बनेगी, आर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा ई रेस्ट पावर, देखिए आयोटा एन माइनस वन इंटू पाई। यहां पर हम लोग डी मायवर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो r e raise to power iota theta, ये तो क्या हो गया मेरे पास, z है भाई, z equals to क्या था, r e raise to power iota theta, तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, z के इक्वल होगी, क्योंकि इसकी पावर 1 अपॉन n कर रहे हैं ना, तो इसकी पावर 1 अपॉन n करेंगे, तो r raise to power 1 अपॉन n e raise to power iota theta by n, तो z की वैल्यू क्या थी, r e raise to power iota theta, तो इसको z लिखेंगे, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, cos of पाई प्लस आयोटा साइन पाई रेस टू पावर एन माइनस वन, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां पर डीमायवर थ्योरम और आयलर थ्योरम दोनों अप्लाई कर रहा हूं, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, कोस ऑफ एन माइनस वन इंटू पाई प्लस आयोटा साइन एन माइनस वन इंटू पाई, और जो पाई का मल्टीपल है मैं उसको पावर में लेके जा रहा हूं, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस वन और इसकी जीरो, तो ये क्या बन गया मेरे पास, माइनस वन रेस टू पावर एन माइनस वन एंड जेड। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, या तो प्लस जेड होगी या फिर माइनस जेड होगी, डिपेंड करेगा जो एन है वो इवन है या फिर ओड है। इसी तरीके से हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, देखिए जितने भी एन रूट्स हैं इनके मॉड्यूलस हमेशा सेम रहेंगे, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, आर एस टू पावर वन अपॉन एन, वेयर आर इज द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। फॉर एग्जाम्पल जेड रेस टू पावर वन अपॉन एन किसके इक्वल होता है, आर एस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयोटा थीटा बाई एन इंटू ई रेस टू पावर आयोटा टू के पाई डिवाइडेड बाई एन। यदि हम लोग मॉड्यूलस लेंगे तो देखिए इन जनरल मेरे पास मॉड्यूलस क्या होगा, इस टर्म से फ्री होता है, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। यदि हम लोग मोड लेंगे तो ई रेस टू पावर आयोटा थीटा का जो मोड है वो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के मोड के इक्वल होगा, और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मोड किसके इक्वल होता है, वन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा देन रूट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा वन होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होगी। इसका मतलब क्या होगा, यदि हम लोग जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जितने भी मेरे पास डिफरेंट रूट्स आएंगे जो कि के पर डिपेंड करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड्यूलस क्या होगा, आर एस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयोटा थीटा एन इंटू ई रेस टू पावर आयोटा टू के पाई बाई एन, इनके मोड के इक्वल होगा, और इस मोड की वैल्यू क्या होती है, यहां पर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी, वन, तो इसकी वैल्यू वन होगी, इसकी वैल्यू वन होगी, तो फाइनली मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आर एस टू पावर वन अपॉन एन, ठीक है। तो सबके लिए सेम रहेगी, के की वैल्यू चाहे जीरो रखो, वन रखो, टू रखो, जितने भी मेरे पास डिफरेंट रूट्स होंगे सबका मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा, आर इज टू पावर वन अपॉन एन, वेयर आर क्या होगा, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एंथ रूट फाइंड आउट करना है उसका मॉड्यूलस होगा। इसी तरीके से हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, देखिए जो एन डिफरेंट रूट्स हैं जेड रेस टू पावर वन अपॉन एन के लिए, ये जितने भी रूट्स हैं इनका आर्ग्यूमेंट हमेशा एपी में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, और इनका कॉमन डिफरेंस होगा 2 पाई बाई एन। तो देखिए डिफरेंट रूट्स कौन कौन से हैं मेरे पास जेड रेस टू पावर वन अपॉन एन के लिए,
आर रेस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयटा थीटा डिवाइडेड बाई एन इंटू ई रेस टू पावर आयटा टू के पाई बाई एन। तो जितने भी मेरे पास डिफरेंट रूट्स हैं उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, इसी के इक्वल होगा। मीन्स आर एस टू पावर वन अपॉन एन ई रेस टू पावर आयटा टू के पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ई रेस टू पावर आयटा थीटा फॉर्म में रखते हैं तो थीटा क्या होता है वहां पर, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस केस में जेड एस टू पावर वन अपॉन एन जितने भी मेरे पास डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, तो उनका आर्ग्यूमेंट यही होगा। तो जो फर्स्ट रूट आएगा उसका आर्ग्यूमेंट के इक्वल्स टू जीरो पुट करने पर आएगा और वो किसके इक्वल होगा, थीटा बाई एन। सेकेंड रूट्स आएगा मेरे पास के की वैल्यू वन पुट करेंगे तो टू पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई एन। थर्ड रूट्स आएगा उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, के की वैल्यू हम लोग यहाँ टू पुट करेंगे फोर पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई एन एंड सो ऑन। यानी ये आर्ग्यूमेंट्स है मेरे पास जो एन डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं। तो यहां पर हम लोग इसको चेक करें तो देखिए थीटा बाई एन सेपरेट करेंगे टू पाई बाई एन प्लस थीटा बाई एन फोर पाई बाई एन प्लस थीटा बाई एन एंड सम। तो यहां पर देखिए ये एपी बन रही है मेरे पास और कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, टू पाई बाई एन। तो मेरे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो एपी में रहेंगे और उनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, टू पाई बाई एन। एक और हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे अभी। देखिए सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, जितने एन डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं उसके लिए हम लोग देखें तो इनका जो मॉड्यूलस है सबका सेम रहेगा और मॉड्यूलस की जो वैल्यू है हम लोगों ने अभी चेक करी, जेड रेस टू पावर वन अपॉन एन आर रेस टू पावर वन अपॉन एन इंटू ई रेस टू पावर आईटा थीटा डिवाइडेड बाई एन इंटू ई रेस टू पावर आईटा टू के पाई बाई एन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही है। तो यहां पर हम लोगों ने चेक किया कि जितने भी मेरे पास रूट्स आ रहे हैं उनका जो मॉड्यूलस है वो सेम है, मींस मॉड ऑफ जेड रेस टू पावर वन अपॉन एन किसके इक्वल आ रहा था, आर रेस टू पावर वन अपॉन एन। यदि हम लोग अर्जेंट प्लेन पर लोकेट करेंगे इन पॉइंट्स को, ये अर्जेंट प्लेन है रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और जितने भी रूट्स हैं उनका मॉड्यूलस सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी रूट्स हैं उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी और वो किसके इक्वल होगी, आर रेस टू पावर वन अपॉन एन। तो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या, आर रेस टू पावर वन, जितने भी पॉइंट्स हैं उनका लोकस क्या होगा, एक सर्कल होगा, क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन यही होती है मेरे पास, लोकस ऑफ पॉइंट विच लाइज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। यानी ओरिजिन से मेरे पास जितने भी मेरे पास ये रूट्स आ रहे हैं अर्जेंट प्लेन पर यदि लोकेट करेंगे इनको तो ये सारे के सारे ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर रहेंगे, इसका मतलब एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, यानी एक सर्कल पे लाई करेंगे ये। और इनका अभी चेक किया हमने, इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो एपी में होता है और कॉमन डिफरेंस कितना होता है, टू पाई बाई एन। तो टोटल मेरे पास एन है और ये कंप्लीट एंगल टू पाई है और इस 2 पाई एंगल को हम लोग क्या करेंगे, n पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 2 पाई बाई n एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 पाई बाई n, और ये सारे के सारे क्या है, एपी में होते हैं तो 4 पाई बाई n देन 6 पाई बाई n। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी रूट्स आ रहे हैं मेरे पास वो सारे के सारे एक सर्कल पे लाई करेंगे जिसकी रेडियस क्या होगी, आर रेस टू पावर वन अपॉन एन, आर यहां पर क्या है जेड जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस है, और ये इस कंप्लीट सर्कल को एन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और यदि हम लोग इनको ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को तो एक रेगुलर एक पॉलीगन बनता है मेरे पास जिसकी टोटल साइड कितनी होगी, मेरे पास यदि एन रूट्स हैं तो जनरल कितनी साइड होगी, एन साइड होंगी। तो इस तरीके से मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगन बनेगा जितने भी मेरे पास रूट्स हैं इनको एड करने पर। यदि तीन पॉइंट होंगे, थ्री रूट्स होंगे तो एक ट्राइंगल बना लेंगे, यदि फोर होंगे तो स्क्वायर बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, एक सर्कल को एन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये तो मेरे पास एन डिफरेंट रूट्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को काम में लेकर हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।